खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां कॉफी हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि रीवा के TRS कॉलेज में प्रोफेसर उमा परहुआ स्मिथ टेबल टेनिस का आयोजन किया जा रहा है। इस बार इस स्पर्धा का आयोजन का 25 वर्ष होने को जा रहा है। इस आयोजन में देश भर के चुनिंदा खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। पहले यह प्रतियोगिता मेडिकल कॉलेज रीवा में आयोजित की जाती रही है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छुपी हुई प्रतिभाओं एवं खेल के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ज्ञात हो कि इस स्पर्धा में खेले हुए बच्चे देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इसमें 5 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अध्यक्ष डॉक्टर KK परवा, सचिव डॉक्टर विनोद तिवारी, उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल तिवारी, संयुक्त सचिव असद खान एवं कार्यकारी अध्यक्ष अमित तिवारी ने सभी खेल के खिलाड़ियों एवं कॉलेज के स्कूल लेवल से लोगों को भाग लेने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। कि इस टूर्नामेंट के दौरान जो 26 से 28 तक TRS कॉलेज में खेला जाना है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्मारिका का प्रकाशन होने जा रहा है। वो स्मारिका जो है उसमें बहुत महत्वपूर्ण लेख हैं, इतिहास संबंधित लेख हैं, खेल से संबंधित लेख हैं और 25 वर्षों में उन खिलाड़ियों के नाम हैं जो विजेता रहे हैं। इनका सबका संकलन जो है उसका विमोचन 25 तारीख को खेल समापन के दौरान किया जाएगा। अब मैं IDA डॉक्टर विनोद तिवारी को, ये हमारा जो टूर्नामेंट है 25 सालों से अनवरत चल रहा है और इसके प्रमुख रूप से मेन जो हैं हमारे प्रदेश विंध्य प्रदेश या प्रदेश के प्रख्यात चिकित्सक और चिकित्सा से बढ़ के समाज सेवा के क्षेत्र में आगे रहने वाले हमारे इस जिला टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष डॉक्टर KK परवा सर, आप लोग हमेशा परवा सर को देखते आए हैं कि रीवा में कोई भी अगर आपदा होती है, कभी भी दुर्भाग्य से कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसने सबसे पहले बढ़ चढ़कर उमा परहुआ चैरिटेबल ट्रस्ट आगे आता है और हमेशा आगे आता रहेगा। उमा परहुआ चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये आपके स्वर्गीय धर्मपत्नी जो प्रोफेसर उमा परहुआ GDC कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर थी और इस खेल के प्रति उनका काफ़ी लगाव था, तो उन्हीं की याद में क्योंकि वो हमारे इस आयोजन में एक बार एज ए मुख्य अतिथि भूमिका पर भी वो आज की थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोगों ने आयोजन किया था, ये 97 के पहले की बात है, तो उनके न रहने पर, उनके गुजर जाने पर, उनके खेल के प्रति समर्पण, उनके खेल के प्रति लगाव को देखते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया। 1996 में हम लोगों ने एक यहाँ पर स्टेट चैंपियनशिप की थी, तब डॉक्टर KK परवा साहब उसी समय अध्यक्ष हुए जिला टेबल संघ के और ये किया गया कि एक टूर्नामेंट रीवा में प्रतिभाओं को आगे स्कूल लेवल के छोटे छोटे बच्चों को, कॉलेज लेवल के बच्चों को बढ़ाने के लिए कोई भी तरह की स्पर्धा यहाँ पे नहीं हो रही है, तो क्यों ना हम लोग टेबल टेनिस की प्रदेश स्पर्धा को यहाँ पे आयोजन करें जिसमें रीवा और 97 से 97 से लगातार बहुत सारी स्पर्धाएं हुई जो आप लोगों की नज़र में, लेकिन 5 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल बहुत ज़्यादा चलने के बाद जो हैं बंद हो गई, 5-10 साल तक बंद रही, फिर चालू हुई, लेकिन ये उमा परहुआ चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो आयोजन प्रोफेसर उमा परहुआ संभागीय टेबल टेनिस का आयोजन है, ये अनवरत 97 से अभी तक चलता था और मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, बुढ़ार, उमरिया, बिरसिंहपुर, नरसिंहगढ़, रायपुर और यहाँ तक कि इंदौर तक के खिलाड़ियों ने आकर के भाग लिया।